नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 दिसंबर 2022 और यहां पे 13 दिसंबर 2022 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है दोस्तों, लेकिन बता दूं इंफॉर्मेशन की मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच इनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 के लिए। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं, जहां पे आप सीखेंगे बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साथ ही साथ और किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, लाइव मार्केट में क्या देखना चाहिए, किस तरह से कैंडल को रीड करना चाहिए, इन सारी चीजों को इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सिखाया जाता है। तो इनरोलमेंट आप कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। आप यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए और आज पूरा बैंक निफ्टी जो है एक साइड पे जोन में ट्रेड करता हुआ रहा। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा आप लोगों को चार्ट, और यहाँ पर मैं चार्ट को बड़ा कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 43,675 के आसपास में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चल रही है ना। हमें बैंक निफ्टी की इस क्लोजिंग को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप सबसे पहले डेली के चार्ट को मैं अगर यहाँ पे करूँ तो डेली के चार्ट पे आप 708 के आसपास की क्लोजिंग देख पा रहे हैं वो सेटलमेंट होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए जो रेड कैंडल है, यहाँ ये जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, यही रेड कैंडल बड़ा हर्डल है। अभी फिलहाल ये जो रेड कैंडल का जो प्राइस है वो बड़ा हर्डल है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करे तब तक मूवमेंट बड़ा नहीं बनेगा। तो उस रेड कैंडल के अगर प्राइस को पकड़ने की बात करें तो उसका प्राइस आता है लगभग 43,850 के आसपास में, 43,850 के आसपास में। आज कल लो लगा है 43,378, जो कि कल भी बताया था 43,350 जो है आपका, 43,350 आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। कल इस बात की चर्चा हम लोगों ने किया था, वहीं से बाउंस आया है। हालांकि हम लोगों ने पुट ऑप्शन में पैसा बनाया, जैसा कि आपको दिया था मैंने पुट ऑप्शन में, और आपको भी प्रॉफिट वहां पे बना है। अब देखिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ध्यान से रखिए। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया लेवल बना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक सुंदर पैटर्न। देखिए ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया दिख गया। और अगर उसको भी अवॉइड कर दें तो आज आप देखें कि ज्यादातर बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ रह गया। तो इसका सिंपल तरीका है दोस्तों कि रेंज के ऊपर जोन पे निकले तो बाय करिए और रेंज के नीचे के जोन पे निकले तो सेल कर दीजिए। सिंपल सिंपल मेथड है। तो अगर आपको कल बाइंग करना है तो हम इस बॉक्स एरिया के ऊपर में बाय करेंगे और इस बॉक्स एरिया का अगर प्राइस पकड़ के चले तो प्राइस आ जाता है 43,775 के आसपास का। तो आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर बाय करना चाहते हैं तो 43,775 के ऊपर बाय कर लीजिए और जो टारगेट बनेगा 43,850, 43,850 का पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट बनेगा 43,900 का। ये लेवल पे ध्यान रखना है, 43,900 का लेवल पे ध्यान रखना है कि अगर ये ब्रेक 15-20 मिनट इसके ऊपर टिक जाता है तब आपको बड़े टारगेट बनेंगे। 43,975 तक का आसपास यात्रा कर सकते हैं, यानी कि राउंड नंबर पकड़ के चले तो 44,000 का। अब कॉल ऑप्शन को बाय करके चले, कॉल ऑप्शन आप 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये चीजें होगी। सेकेंड, अगर सेलिंग करना है तो इस एरिया के नीचे करेंगे और ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो इसका प्राइस पकड़ लेते हैं कितना आता है 43,575। आप राउंड नंबर पकड़ ले 43,550 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 43,550 के नीचे आप सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो टारगेट बनेगा यहाँ पे 43,500 का पहला वाला टारगेट, जो कि राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया है, और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तब आपको टारगेट 43,300 तक के टारगेट आपको आते हुए बन सकते हैं 43,300 तक का। आप पुट ऑप्शन बाय करके चलेंगे 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, मान लेते हैं ये अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो गैप अप खुलने के चांस बनते तो 350 पॉइंट अगर गैप अप खुलता तो डायरेक्ट है कि ये 44,000 के आसपास में खुलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये 44,000 के आसपास में गैप अप खुलता है, डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तब आपको एक बार जरूर सेल करना चाहिए, जरूर सेल करना चाहिए। टारगेट 43,900 से लेके 43,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ज्यादा खराब होने की कंडीशन में 43,600 तक भी आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं राउंड नंबर का 44,000 का ही,
इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं बता दूं कि हो सकता है 43-44 हजार के आसपास ना खुले, 43-975 के आसपास में खुले, तब भी आपको सेल करने का कोशिश करना है कि जितना नजदीक 44 हजार के आसपास सेल करेंगे ज्यादा सेफ रहेंगे आप। ये गैप डाउन कंडीशन के लिए, गैप अप कंडीशन के लेवल हो गए। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है इस तरह से, तो देखिए ये एरिया तो हमारा सपोर्ट है ना, 43-200 से 43-300। हम खराब तब तक नहीं होंगे जब तक हम 43-200 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, तब तक खराब नहीं होंगे। तो 43-300 के आसपास में अगर ये गैप डाउन लेवल ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय का सिनेरियो बनाना चाहिए। टारगेट ऊपर बनेगा 43,400 से 43,600 तक के टारगेट बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना आपको। इसके अलावा आप कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। गैप डाउन कंडीशन में कॉल ऑप्शन आप 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। काफी बेहतरीन पैटर्न, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बैंक निफ्टी ने बना रखा है। ऐसे पैटर्न बहुत कम बनते हैं। ऊपर से भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ट्रायंगल पैटर्न भी बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, साथ ही एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है। अब चलेंगे दोस्तों निफ्टी के लेवल की तरफ, लेकिन बता दो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे, बैंक निफ्टी के बाद अब निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। तो निफ्टी के चार्ट आपके सामने में आ गए, और ये आ गया निफ्टी का चार्ट। अब देखिए निफ्टी के चार्ट को समझते हैं थोड़ा सा। निफ्टी भी एक लाइक पैटर्न बनाया था इंट्राडे के चार्ट पर, अगर देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हम लोग इसका डेली का टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, और डेली के चार्ट पर क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट एरिया दिखाने का कोशिश किया। आज का लो देखते हैं तो 18,345 अब राउंड नंबर पकड़े तो 18,350 कह सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है निफ्टी में, और आज का हाई भी देखते हैं तो 18,520 के आसपास में हाई है 520, तो हम कह सकते हैं कि 550 से लेकर 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर दिख रहा है। क्लोजिंग हम 18,500 के आसपास में कर गए। अब यहाँ से देखिए जो सपोर्ट बना है ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, यानी 18,350 के नीचे जाने पर ही आपको निगेटिव होना होगा, अदरवाइज निफ्टी में भी कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा कॉशस होकर चलना है। तो हम लोग इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो आप देखिए कि एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद ये इंडेक्स कहीं नहीं जा पाया, एक रेंज में फंस गया। इस रेंज के ऊपर या निचले स्तरों पर ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आपका ट्रेड बनेगा निफ्टी में। तो हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे और इसके नीचे सेलिंग करेंगे, क्योंकि निफ्टी में भी एक रेंज का पैटर्न बना हुआ है, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो चलिए इस रेंज को हम लोग मार्क कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम रेंज को मार्क करेंगे, और ये आ गया रेंज। अब रेंज है ऊपर वाला 18,525, 18,530। तो अगर आपको बाय करना हो तो जरूर बाय करिए, 18,535 के ऊपर निकलेगा तो आपको बाय एरिया बनेगा, बाय करना 18,535 के ऊपर। और इस कंडीशन में पहला छोटा वाला टारगेट बनेगा 18,550, मात्र 15 पॉइंट का पहला, चूंकि यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये 18,550 साइकोलॉजिकल है। उसके बाद टारगेट बनेगा 18,575, 18,600। अब ये देखिए ये 600 वाला जो लेवल है यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, लेकिन अगर ये 600 के ऊपर 15-20 में टिक गया ना, तो फिर आपको ये और भी ऊपर के लेवल 18,650 से लेके 18,675 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन 600 के आसपास अगर आ जाए ना, तो एक बार जरूर प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करें 18,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखिए यहाँ से कि अगर इन केस ये नीचे ब्रेक कर जाए, है ना, इस एरिया के नीचे ब्रेक कर जाए, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल। अब ये मान लेते हैं कि ऊपर नहीं जाके ये नीचे ब्रेक कर जाए, तो ये नीचे का जो प्राइस आता है 18,400 का आता है, राउंड नंबर को पकड़ना है। 425 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अगर आप राउंड नंबर 18,400 के नीचे अगर आप सेल करें, इस पैटर्न के नीचे सेल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, 18,400 के नीचे आपकी सेलिंग बनेगी। टारगेट इस कंडीशन में देखिए 18,350 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जो कि आज बाउंस कर गया है, और अगर इसके नीचे टूट जाता है तब आपको और 100 पॉइंट मिलेगा 18,300 और 18,250। ये 250 आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का, निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, तो चलिए यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन के लेवल भी देख लेते हैं कि अगर ये इन केस मान लेते हैं कि गैप अप खुलता है,
गैपअप, तो गैपअप में इसकी 200 पॉइंट या 150 पॉइंट 500 के पास क्लोज है, 18500 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो हम मान के चलते या तो 18700 पर ओपन होगा या 18650 के बीच में ओपन होगा, इस दो एरिया के आसपास कहीं ओपन हो सकता है। तो सेल ऑन राइज, अभी भी आपको सेल ऑन राइज ही करना है, ऊपर के भाव पे सेल करके ही चलना है, सेल ऑन राइज इस बात को ध्यान रखना है। और टारगेट नीचे के साइड में 18600, 18550, 18500 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है, ज्यादा खराब होने की कंडीशन में 18450 तक आ सकता है। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर ले, पुट ऑप्शन आप 18600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये गैप अप सिनेरियो टू है, अभी हम लोग सेल ऑन राइज में ही चलेंगे। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे के लेवल को दिखाता है, अगर ये गैप डाउन हो गया और सीधे नीचे 200 पॉइंट नीचे खुलता है, तो ये कहीं 18300 पे खुलेगा या 18250 पे खुलेगा। अगर इस दो में से किसी एक एरिया पे भी गैप डाउन खुलता है, तो आपको पहली कंडीशन में बाय ही करके चलना होगा, जैसा कि अभी अच्छी बाइंग आई थी, 18 टारगेट जो बनेगा 18350, 18400, 18450 और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 18500, यहां तक ये आने का चांस बना सकता है, इसका ध्यान रखना है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, सी को बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो 18350 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा मेरा विश्लेषण, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट कॉल के लिए, आज मैंने कॉल दिए थे आप जाके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में पुट में अच्छा प्रॉफिट बना था, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया तो बहुत बढ़िया, वहां पे भी आपको कॉल्स मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच एनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 के लिए, तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।